हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप सो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही होंगी सो so, अभी हम जो ट्रेडिंग करने वाले हैं देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और आपके लिए नियर फ्यूचर क्या एफर्ट वो डालेंगे इस रिश्ते में ठीक है एंड uh, कुछ लव मैसेजेस भी उनके देखेंगे सो so, मैं बता दूँ गाइस ये जर्नल प्लस कलेक्टिव रीडिंग है ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो इसे ओपन माइंड से देखिए ठीक है so, सो शुरू करते हैं आज के रीडिंग प्लीज़ यूवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स की हमारे व्यूअर्स के पार्टियों की, पार्ट की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स है उनकी के दिली दिमाग में अभी क्या चल रहा है उनके लिए हमारे पार्ट हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीजर्स गाइड कीजिए वाह पहला कार्ड लवर्स का है। कप्स। यार बहुत ऊपर हो गया Mm. Okay. Next card for you is Three of Wands The Emperor, The Sun.

चीज़ बताऊँ ठीक है देखिए आपके जो पार्टनर है वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं कि वो आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइस वो इस रिश्ते में न्यू शुरुआत चाहते हैं यू नो जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहते हैं ठीक है ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है आई फील कि आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत डेस्परेट है आप सोल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन फील करते होंगे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें आपके साथ एक यू नो बहुत ही डीप कनेक्शन फील होता है ऐसी आपकी पार्टनर की एनर्जी मुझे लग रही है ठीक है एंड uh, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है लोगों की वजह से या उनकी गलत सोच की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हो तो अब वो उन चीज़ों से लड़ना चाहते हैं आपके लिए आपके रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं ठीक है मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है आई फील कि आपके जो पार्टनर है वो यू you नो know, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना आप लोगों के बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते थे शायद नियर पास्ट में ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है तो अपना आपके साथ वो जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे ठीक है अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेती थी, थी तो वो स्टैंड लेने का सोचेंगे कि नहीं मुझे स्टैंड लेना है आज उनकी यही करंट फीलिंग है कि वो सोच रहे हैं कि उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है जो हो गया सो हो गया इट बट अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है ठीक है एंड साथ ही साथ जो एनर्जी मुझे लग रही है न्यू शुरुआत की एक न्यू बिगनिंग अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं आपको शो करवाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं आपके लिए कितने पैशनेट हैं ठीक है आप उनके लिए कितना ज़रूरी हो उनकी लाइफ में आपको लिटरली ऑफर करने का सोच रहे हैं अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक नेक्स्ट स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं ठीक है अगर आप फ्रेंड्स हो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो ये आपके साथ मैरिज का सोच सकते हैं क्योंकि एज ऑफ कप्स के नीचे ही कार्ड फोर ऑफ पॉन्ड्स का कार्ड है जो कि आपके यू नो मैरिज को भी uh, बताता है आई फील ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा और इन्होंने ना ज़िद पकड़ ली कि ऐसे लोगों को लाइफ से बाहर निकालना है जिन लोगों की वजह से आपकी दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है ये कोई भी हो सकता है ये ऐसे रिश्ते को चाहते नहीं आपके यू नो अपने रिश्ते में जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आए कहीं ना कहीं आई फील कि आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं की पहले जब आप इनके लिए सीरियस थे आप इनके लिए एक्शन लेते थे आपको लव केयर आप ही ने करते थे या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते थे ना आपको उतना इक्वल की विन टेक करते थे आई फील ये आपको किसी बात के लिए सॉरी भी बोलना चाहते मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है आई फील कि ये बहुत स्टॉब एनर्जी में मुझे इस टाइम पर लग रहे हैं इन इनके ऊपर ना एक भूत सवार है कि मुझे तो यू you नो know, आप सिर्फ मेरे हो और आप किसी और के हो नहीं सकते ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है साथ ही मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही सुंदर ब्राइट फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं लिटरली आप लोगों की मैरिज का भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैरिज कार्ड आया है सन कार्ड आया है तो इस रिश्ते में यू you नो know, वो आपको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस समझते हैं वो मैरिज करना चाहते हैं आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट आपको लग है ठीक है इसी के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ना ये फोर ऑफ़ वॉन्ट से मुझे क्या फील हो रहा है कि आपके रिश्ते की फाउंडेशन को जो निव है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ऐसी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है ठीक है फोर ऑफ कप से मुझ फोर ऑफ वॉन्ट से मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है ठीक है इसी के साथ हो सकता है कि कोई आपके घर पर या इनके घर पर कोई सेलिब्रेशन हो या आपको बहुत मिस कर रहे हो ऐसा भी हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की जो एनर्जी है ठीक है तो क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी और एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ठीक है ऐसी एनर्जी मुझे इनकी लग रही है इस टाइम पे ठीक है एंड uh, हो सकता है कि यू नो आपके पार्टनर जो है वो uh, पहले खुद पे फेथ नहीं करते थे कि वो इस रिश्ते को निभा पाएंगे या नहीं इस रिश्ते में सब कुछ सही कर पाएंगे या नहीं बट अब उन्हें यू नो ये फील हो रहा है कि नहीं मुझे इस रिश्ते में इक्वल की टेक करना है ठीक है एंड इस रिश्ते में एक बहुत ही सुंदर न्यू बिगनिंग करनी है ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है ठीक है और देखते हैं कि नियर फ्यूचर आपके पार्टनर आपके रिश्ते में क्या एफर्ट डालेंगे ठीक है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए नियर फ्यूचर ओके okay. ओके 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 ये कार्ड पहले भी आया था काइस एंड बॉटम ऑफ टेक की जो एनर्जी है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स सो आई फील नियर फ्यूचर में ना जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो हो रही है जस्टिस की आई फील कुछ तो आपके साथ अनजस्टिस हुआ है कुछ तो इस इंसान ने बहुत बुरा किया है तो नियर फ्यूचर जो इनके एनर्जी है इन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ उसके लिए ये बहुत यू नो सॉरी भी उन्हें बुरा भी लगेगा और आपके साथ जस्टिस भी करेंगे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ठीक है आपके पार्टनर की इसी के साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अपनी गलतियों के लिए आपसे सॉरी कहेंगे एंड एक न्यू स्वीट से बिगनिंग आपके साथ शुरू करेंगे ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ टेक के एनर्जी से मुझे फील हो रहा है कि आपकी पार्टनर जो है हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया है बहुत हर्ट किया है बट नाउ ये आपको लेके ना बहुत पुजस्व हो रहे हैं बहुत पुजस्व हो रहे हैं आपको लेके क्योंकि इन्हें डर है कहीं आप ये आपको खो ना दे ऐसी एनर्जी मुझे नियर फ्यूचर की लग रही है ये बहुत डरेंगे आपको खोने से बहुत ही ज़्यादा यू नो इनसिक्योर फील करेंगे ये ऐसा फील मुझे हो रहा है ठीक है एंड आप देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस ठीक है So, हम देखेंगे आपके पार्टनर भी आपके बारे में क्या सोचे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ठीक है सो माय गॉड ठीक है सो ये कुछ मैसेजेस मैंने निकाले हैं ठीक है टर्न वाइज टर्न इन्हें देखते हैं ओके जो फर्स्ट मैसेज फॉर यू आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं या आप हो सकते हो ठीक है नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ आई विल नेवर एवर लिव यू अलोन ओके आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे नेक्स्ट मैसेज फॉर यू मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ जीना चाहता हूँ विल यू फॉर एवर विथ मी यस मैंने कहा ये आपके लिए ऑफर करेंगे कुछ ना कुछ ठीक है लव ऑफर हो सकता है लविंग यू मेड माई लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस ओके नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज नो मैटर वट है आई विल नो चेंज एवरी थिंग हाउ आई फील अबाउट यू एंड नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ एरीज़ आपके पार्टनर या आप एरीज हो सकते हैं आप में से कुछ लोग एंड नेक्स्ट मैसेज फॉर यू आई प्रॉमिस यू आई विल ऑलवेज बी फॉर यू ओके नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ आई एम सो क्रेजी अबाउट यू ओके नेक्स्ट मैसेज फॉर यू यू आर माई ट्रू सोलमेट सो यस आप सोलमेट टू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो गाइज एंड नैक्स्ट मैसेज फॉर यू यू विल ऑलवेज बी देअ फॉर मी ओके ए नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज आई एम सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा मैं लोगों की बातों में आ गया था यस yes, कहीं ना कहीं आई फील ये लोगों की बातों में आ गए थे नेक्स्ट मैसेज आपके लिए जो है ओके okay, सो so, आपका मैसेज है वेन नेवर यू आर नॉट अराउंड वेन आई किस यू और मिस यू ओके एंड लास्ट कार्ड फॉर यू योर हार्ट इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट अ मैन कूडन इवन वॉन्ट ओके एंड एक दो कार्ड और देख लेते हैं ठीक है आई फिल आपके पार्टनर वेजिटेरियज हो सकते हैं धनुराशि के हो सकते हैं राइट right? एंड लास्ट मैसेज फोर यू इज़ आई लव यू राइट आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं तो ये थी आपकी ब्यूटिफुल्स रीडिंग हो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइज में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव फ्री रीडिंग्स लेके आऊँगी पर जब मेरी टेन की सॉरी टेन की सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए फ्री रीडिंग्स भी किया करूँगी सो प्रेयर करें एंड कोशिश करें जल्दी से टेन की सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं आप लोगों की यू नो क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ आप लोगों की हेल्प कर सकूँ सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए मैं प्रेयर करूँगी भगवान से कि आपको बहुत खुश रखे आप हमेशा खुश रहें ठीक है सो अपना ख्याल रखें टेक केयर बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में